next question uh, question says the kinetic energy and the potential energy of a particle executing shm are equal सवाल ये रेशो ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड विल बी और हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं अगेन ये सवाल ये है कि किसी एक लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी और कानीटिक एनर्जी बराबर है हर वक्त बराबर अगर एस एच एम है तो हर वक्त आपकी दोनों एनर्जी बराबर नहीं होती हैं किसी एक लोकेशन पे एनर्जी आपको बराबर मिलेगी ना जिस जगह पे एनर्जी बराबर होएगी उसके लिए हम लिख सकते हैं कि हम कहते हैं कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कानिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एस की हम लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर और इस काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर ना इस v की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर ए को कैपिटल ये लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका v का फॉर्मूला होता है हालांकि सो so, ये आपकी वी की वैल्यू आ जाएगी अल्ड तो right. so, अगर हमें थोड़ी सी का उसकी नॉलेज है तो एम ओमेगा स्क्वायर को हम यहाँ पे के बोलते हैं सो so, आपकी लेफ्ट हैंड साइड तो रह गई हाफ के एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से हाफ के हाफ ए कैंसिल हो जाएगा सो so, ये बचा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसको दल लेके आएँ सो so, आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए बाय इसको ऐसे लिख लेते हैं प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय रूट टू यह आपकी एक्स की लोकेशन हो गई नाउ हमसे पूछा है यहाँ पे कि आपका रेशो बताना है एक्स और ए का रेशो क्या होएगा तो हम लिख सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाय ए विल बी इक्वल टू वन बाय रूट टू क्योंकि इसने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पूछी है सो so, यहाँ पे वी विल से ऑप्शन नंबर ए वन बाय रूट टू वुड बी द राइट आंसर